हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं इस लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये ब्लाउज का पीस है और ये लाइनिंग है। देखो, अस्तर को हमने ऐसे बिछा के रखा है, ये बंद वाला भाग इस तरफ है और खुला वाला भाग इस तरफ है। पहले हम मेजरमेंट जानेंगे। शोल्डर है 14 इंच, अपर चेस्ट है 35.5 इंच, मेन चेस्ट है 36.5 इंच, कमर 31, आर्मोल की गोलाई 17 इंच, आगे का गला हम 6 इंच का रखेंगे, पीछे का गला 9 इंच का, बाजू की लंबाई 5 इंच और उसकी गोलाई 13 इंच, बस्ट पॉइंट है हमारा 9.5 इंच और ब्लाउज की जो तैयार लंबाई रखेंगे हम 13.5 इंच। इसी मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है। अभी देखो, नीचे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हल्का टेढ़े अस्तर को कट कर देंगे और 1 इंच पे हम और निशान लगाएंगे। अभी ब्लाउज की जो मार्किंग करेंगे हम, वो इस निशान से करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ये हमारे एक्स्ट्रा है। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच तो हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे 14.5 इंच, ये हमारा ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। इसकी जो आर्मोल की लंबाई हम रखेंगे 5.5 इंच रखेंगे, इधर भी हम एक सीधा निशान लगा देंगे। अभी इनकी पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 31 इंच तो उसका जो चौथा भाग होगा 7/8 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा टक्स के लिए रख देंगे। ये हर साइज में टक्स के लिए रखा जाता है क्योंकि ब्लाउज में हमेशा पीछे हम टक्स डालते हैं। अभी देखो, चेस्ट का निशान लगाएंगे। इनकी अपर चेस्ट है 35.5 तो उसका जो चौथा भाग होगा 9 में 1 पॉइंट कम, इधर हम एक निशान लगा देंगे, ये हमारा 9 में 1 पॉइंट कम आएगा। और पीछे का गला हम 9 इंच रखेंगे तो इसमें ओनली 2 पॉइंट बढ़ा देंगे लूजिंग। टोटल अगर इसमें लूजिंग हम ऐड करें 35.5 में, अगर हम 1 इंच ऐड कर देते हैं तब भी उसका चौथा भाग निकालेंगे तो हमारा यही आता है। तो इसलिए आप पहले 35.5 का चौथा पार्ट करना और फिर उसमें 2 पॉइंट की लूजिंग डाल देना। यह हर साइज के लिए है, अगर आपका गला पीछे 9 इंच है तो हर साइज में हम 2 पॉइंट की लूजिंग देते हैं। इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अभी देखो, शोल्डर है इनका बॉडी मेजरमेंट 14 इंच तो हम इंच टेप को ऐसे रखेंगे, पीछे का गला 9 इंच है तो हम 2.25 इंच कम कर देंगे, ये हमारा बचता है 4.5 इंच तो हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा इधर रखेंगे तो हम 5.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये जो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, ये देखो जैसे हमारे अपर चेस्ट 40, 41, 42 तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हमारे अपर चेस्ट आती है तो हम 0.25 इंच बढ़ा देते हैं। अभी 1/2 इंच बढ़ाया हैवी साइज में 0.25 इंच, लेकिन ये हर साइज में फॉर्मूला सेम रहेगा। आर्मोल की शेप देंगे। और यहाँ से हम गले की चौड़ाई रखेंगे, आप 2.5 इंच भी रख सकते हो इधर से, 2.75 इंच भी, आपको गले की जितनी ब्रॉड चाहिए उसके हिसाब से। अगर नॉर्मली आप रखो तो इधर से 2.5 या 2.75 इंच रख सकते हो, बचता है वो गले की चौड़ाई हो रह जाती है हमारी। गला हमारा 9 इंच है तो हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, आप 3.5 इंच भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है आपको नीचे में गला कितना चौड़ा चाहिए। तो इधर हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसमें आप कोई भी शेप देना, हम ये वाली शेप देंगे। ब्लाउज की लंबाई हमारी यहाँ तक ही है, ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि पीछे में हम एक डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा ब्लाउज की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हम 5 इंच ले लेंगे
यहाँ से भी 5 इंच और यहाँ से हम 4.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। और पीछे की टक्स हम टोटल 1 इंच की डालेंगे, तो 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर। पीछे का गला डीप है तो हम 1/2 इंच इधर से भी एक निशान लगा देंगे, इस निशान में मिला देंगे। जो ब्लाउज की लंबाई है वो हमारी यहाँ तक है, और ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है, 1 इंच ही हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि तब ये डिजाइन बना देंगे तो हमारा ये इसकी जो लंबाई होगी वो यहाँ तक ही आएगी, हमें पीछे में कुछ डिजाइन बनाना है इसमें। अगर आप जैसे गोल गला दो, कुछ भी दो, तो आप यहाँ तक ही कट करना है, इसको एक्स्ट्रा मत लेना अगर आपको कोई डिजाइन नहीं बनाना है पीछे में। यहाँ भी एक कट लगा देंगे, ब्लाउज की लंबाई यहाँ तक है हमारी, इधर भी एक कट लगा देंगे। अभी देखो इसको हम अपनी तरफ पलट देंगे, इसकी देखो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे थोड़ी, तो हम इस किनारी को निकाल देंगे और हुकाई पट्टी के लिए हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि इसके हुक हम सामने में लगाएंगे, तो इसी निशान पे हम इसको ऐसे रख लेंगे और सेम निशान इसके छाप देंगे। यहाँ तक हमारे सेम निशान होंगे, इसकी जो लंबाई है यहाँ तक निशान लगाएंगे और इसके बीच सेंटर में एक निशान लगा देंगे। अभी देखो इसको हम हटा देंगे, पहले हम इसके बस्ट पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे, बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10 इंच जो इधर सिलाई में जाएगा। यहाँ से हम 4.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच पे इसके नीचे जो हमारा ये बस्ट पॉइंट का निशान है, इसके नीचे 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 4.25 इधर रखा है तो 4.25 पे ही हमें इधर भी निशान लगा देंगे। अभी देखो ये हम बेल्ट ब्लाउज बनाएंगे, देखो इसकी चोली का हम निशान लगाएंगे, ये हम चोली वाला ब्लाउज बनाएंगे, तो इसकी जो चोली हम रखेंगे वो 12 इंच तैयार रखेंगे, ठीक है, इस साइज में 12 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे, हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कट कर रहे हैं इसको, तो 13.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये 36-37 साइज के लिए आप यही साइज ले सकते हो, और इधर हम 4.25 पे निशान लगा के इस निशान को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और जो हम टक्स डालेंगे, इधर हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, इस निशान से इधर भी हम 2.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये हमारी 1, 2, 3 टक्स हो गई, यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे और इस निशान में इसको मिला देंगे, तो ये हमारी 4 टक्स हो गई। इसकी जो मेन छाती है वो 36.5 इंच है, 36.5 का जो चौथा भाग रखेंगे 9.1 इंच, इधर निशान लगा दिया। अभी देखो पीछे के हिस्से में हमने ओनली 2 पॉइंट की लूजिंग डाली थी, क्योंकि पीछे के हिस्से में हमारे कोई उभार नहीं होता है, इसलिए कम लूजिंग डालते हैं, लूजिंग की तो हमें सामने में ज़रूरत होती है, तो इसमें हम 0.25 इंच ऐड कर देंगे। ये हमारे जो लूजिंग है हर साइज में ही, अगर आप बेल्ट ब्लाउज बना रहे हो, प्रिंस स्कर्ट जो भी बनाते हो, मैं सभी में 0.25 इंच की ही लूजिंग डालती हूँ। यहाँ भी हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे, और अभी देखो ये कितना आया हमारा, 10 इंच में 1 पॉइंट कम, तो 10 इंच में 1 पॉइंट कम पे इधर निशान लगा देंगे, इसको हम सीधा कर देंगे और ये हम मार्जिन रख देंगे एक्स्ट्रा। अभी देखो हमें इसमें टक्स, ये वाली जो टक्स डालेंगे वो कितनी चौड़ाई की डालेंगे, कमर है इनकी 31 इंच, तो 31 का चौथा भाग है 7.5 इंच, ये 7.5 के बाद अब 10 इंच में 1 पॉइंट में कितना बचता है इसका, 7.5 और 7.5, यानी कि 2 इंच की टोटल टक्स डालेंगे, तो 1 इंच हम इधर निशान लगा देंगे, 1 इंच हम इधर निशान लगा देंगे, और इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे, यहाँ मिला देंगे, यहाँ से हम 1/2 या 0.5 इंच ज़्यादा एक निशान लगाएंगे,
इधर भी हम हाफ इंच, ये हर साइज के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा ऐसे। गला हमारा सामने का 6 है तो हम 6.5 पे एक निशान लगाएंगे। ये हम कितना चौड़ा रखेंगे, ये पीछे वाले पल्ले के बराबर ही रखेंगे इसको। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे क्योंकि सामने के गला ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। सामने की गले की चौड़ाई यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे क्योंकि सामने का जो गला होता है वो सामने से ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। सामने आप कोई भी शेप दे देना इसमें। और यहाँ से हम हल्की हल्की छटाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी देखो पहले हमारा फिटिंग का निशान यहाँ था तो अभी हमारा ये हो गया, ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इस डार्ट में वो कवर हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो फिटिंग का कट होगा हमारा ये वाला होगा, इस पे निशान लगा देंगे कट। ये तो कट हो गया। अभी देखो हुक आई पट्टी के लिए हम हल्का एक्स्ट्रा ले लेंगे और किनारी को निकाल देंगे। इन सभी पे हम कट लगा देंगे। इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आती है और इसकी जो ये बेल्ट की लंबाई है ये भी एकदम परफेक्ट आती है। अब इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए हमने ये कपड़ा ऐसे बिछाया है, खुला वाला भाग हमारी तरफ है और पहले पीछे वाले हिस्से को हम ऐसे रखेंगे और इस कट को कट से मिलाएंगे। अभी देखो हमारा ये कितना बच रहा है, ये हमारा 1.25 इंच है, यहाँ से 1.25 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 2.25 इंच। यहाँ से 2.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे और 2.25 इंच पे इधर इस निशान को सीधा कर देंगे और तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे क्योंकि पीछे वाले पल्ले में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और 1/2 इंच ऊपर के लिए अलग से पट्टी ज्वाइंट करके फिर उसकी फिटिंग करते हैं नीचे। और इसमें हम तुरपाई इसी से ही कर देंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये तो हमारा पहले से निशान लगा हुआ है, देखो 1/4 इंच तक। और ये बेल्ट हमें कितनी कट करनी है, कमर है हमारी 31 तो उसका चौथा भाग 1/8 इंच, इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा कट कर देना, 1/8, 1/9 और 1/10, 10.5 इंच। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। देखो कपड़ा हमारा डबल है, उसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा रख देंगे। अभी देखो बाजू के लिए हम कपड़ा लेंगे, ये कपड़ा हमारा डबल है और डबल को हम 4 फोल्ड कर देंगे। बाजू की लंबाई हमारी 5 इंच है तो हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। आर्मोल है इनकी 18 इंच टोटल, तो उसका जो हाफ होगा हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसमें 2 पॉइंट कम लगाना क्योंकि जब ये हमारा घूम के राउंड आता है तो 9 इंच आएगा, तो इसलिए हम 1/9 इंच पे एक निशान लगा देंगे। और इसको ऐसे ही पकड़ना है, सेम ऐसे एक निशान लगाना है और यहाँ से हम गोलाई की शेप देंगे। मोहरी है हमारी 13 इंच, तो 13 का आधा जो हमारा होगा 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इसमें हम लूजिंग के लिए ऐड कर देंगे, तो हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये हम एक्स्ट्रा रख देंगे।
इधर हम बॉर्डर पट्टी अटैच करेंगे, क्योंकि इसीलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपको तुरपाई करनी हो तो आप उसमें तुरपाई का एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अब इसको हम मेन पीस पे कट करेंगे। अभी देखो इस बॉर्डर को हम खोल देंगे।